छत्रपति स्क्वायर में है और अभी बढ़ रहे हैं हम हमारी लोकेशन की तरफ। सो आज का दिन बहुत ही थकान भरा रहा गाइज। एंड हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मम्मी ने बनाया है आलू के पराठे एंड उसके साथ में दही है, तो बहुत ही बेहतरीन नाश्ता बनाया आज मम्मी ने। तो चलिए देखते हैं, मम्मी बनाई रही है। तो मम्मी के हाथ का गरम गरम रोज सुबह हमको नाश्ता मिलता है। ये रही आलू की सब्जी, ये हमारी प्लेट तैयार है यहाँ पे। थोड़ा सा दही को फेंट लेते हैं ताकि सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए एंड खाने में भी बेहतरीन स्वाद आता। फिर तो ये रही गाइस हमारी फर्स्ट बाइट। बहुत ही लाजवाब बनाया मम्मी ने एंड मम्मी के हाथ का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट में नाश्ता फिनिश कर दो, फिर उसके बाद में हम चलते घूमने के लिए। अभी हम फिलहाल में मास्क लेने के लिए काउंटर पे आए हैं, यहाँ से मास्क लेते हैं। और अभी हम एम्स हॉस्पिटल में नागपुर के, बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल है। तो आपको लगभग सो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं वेटिंग एरिया में, हमारा अभी काम होने का है, अभी आधा एक घंटा और लगेगा। पर अस्पताल देखिए एकदम पॉश है और गरीब से गरीब भी यहाँ पे एडमिट हो सकता है। सो अभी हम बैठे यहाँ पे, हमारा टोकन आने का है, अभी चल रहा है 1179 और हमारा टोकन नंबर है 1203। सो अभी वेटिंग एरिया में हम वेट कर रहे हैं। गाइस आज का दिन बहुत ही थकान भरा रहा, फाइनली अभी हमको फुर्सत मिल गई है। तो हम आए थे नागपुर में एम्स हॉस्पिटल में, पेशेंट को भर्ती किया, एक हमारी चलती रही थी समाज सेवा, उनका थोड़ा सा कर दिया हमने काम
तो अभी फिलहाल में 9 बजे हमको मिली फुर्सत, अब हम जा रहे हैं नागपुर सिटी में। अभी हम जाते हैं, फिलहाल में हम नागपुर के बीचों बीच छत्रपति चौक में, छत्रपति स्क्वायर में हैं और अभी बढ़ रहे हैं हम हमारी लोकेशन की तरफ। सो आज का दिन बहुत ही थकान भरा रहा गाइस, एंड अभी थोड़ा सा जाके आराम करेंगे, खाना खाएंगे। सुबह 6 बजे से हमने कुछ भी नहीं खाया है, एटलीस्ट मैंने तो अभी थोड़ा सा खा लिया था, पर मनोहर भैया ने कुछ भी नहीं खाया, बैठे बेचारे को चक्कर आने लग गए थे आखिर में, पर आई होप कि किसी का भला हो जाए, अच्छा लगेगा।